हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, फर्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो इसका आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को स्थानांतरित कर दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट को नाम से किए जाने लगा? तो इसका आंसर है 1858 के अधिनियम के तहत। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? तो इसका आंसर 1858 में जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय रखा गया। इसका आंसर हो जाएगा 1858। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में स्थित पूना समझौता में प्रस्थान था। तो पूना समझौता हुआ था 1932 में अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। इसमें था हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसको आप याद रखेंगे, पूना समझौता 1932 में हुआ था अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। नेक्स्ट है, सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। सर्वदलीय सम्मेलन तो 1928 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगस्त घोषणा। तो ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय में हुआ था अगस्त घोषणा, और अगस्त प्रस्ताव या लॉर्ड लॉन्ग लिथिगो के समय में हुआ था। अगस्त संकल्प या महात्मा गांधी ने दिया था। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन लिथिगो, और अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की नियुक्ति किया गया? तो ये 1858 में, 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों की गठित था, इसका सदस्य कौन कौन थे? तो पहला है लॉर्ड पेरिंट लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पेरिंट लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें हुआ था प्रांतों में दैव शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में दैव शासन। अब भारत सरकार अधिनियम 1935, तो यह था प्रांतीय स्वायत्तता। मिंटो मोरलो सुधार 1919, तो सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था इसमें। अब अधिनियम 1858, इसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। जो ब्रिटिश शासन है वो शक्ति में आया था 1858 में। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या किया गया था? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने केंद्र में दैव शासन प्रणाली की स्थापित किया था? तो केंद्र में किया था भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसको आप याद रखेंगे, केंद्र में दैव शासन। नेक्स्ट, भारत में सचिव का पद
किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव के पद था वो भारत सरकार अधिनियम 1858। सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 में निर्मित किया गया था। ऐसे 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? यह महात्मा गांधी ने किया था कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा, ये महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट, 1938 में किस व्यक्ति ने वयक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने वयक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले मांग किया गया था 1895 में, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? तो आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहां पर हुई, अधिवेशन में रखा गया था? तो यह फैजपुर में 1936 में था, ये फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, वहां कांग्रेस ने इस अधिवेशन में मांग रखा था संविधान सभा की गठन के लिए, तो फैजपुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, 389 सदस्य होने थे, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो निश्चित हुआ था ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों में 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों के निर्वाचित होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 209 में से 208 प्रतिनिधि कांग्रेस के थे, ये भाग लेकर आए थे, 208 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो ये संयुक्त प्रांत का, किसमें सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत में प्रतिनिधि सबसे अधिक थे। नेक्स्ट, वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे तो कहाँ से निर्वाचित हुए थे अम्बेडकर जी? तो ये पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो जो चुनाव हुआ था इसका आधार था वर्गीय मताधिकार, वर्गीय मताधिकार था संविधान सभा का चुनाव का आधार। नेक्स्ट, संविधान सभा का सदस्य प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हो गया था? तो 1946 में ये संपूर्ण संपन्न हो गया था संविधान सभा के लिए चुनाव, तो 1946 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ? तो स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, संविधान सभा का स्थापना 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सभा के लिए, संविधान सभा के लिए सबसे पहले अधिवेशन दिल्ली में हुआ था।
तो इसका दिल्ली इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना के लिए प्रस्ताव रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके समक्ष रखा था? तो प्रारूप समिति के समक्ष रखा था प्रस्तावना का प्रस्ताव। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है अम्बेडकर जी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्य की थी 15, इसको आपको याद रखना है, 15 सदस्य थी महिला। नेक्स्ट, संविधान को 26 जनवरी के ही दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया? 26 जनवरी को ही लागू करने का, तो इसमें था कांग्रेस ने इस तिथि को, मतलब 26 जनवरी को कांग्रेस ने 26 जनवरी को 1930 में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने मनाया था 26 जनवरी 1930 के में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही दिन लागू करने का निर्णय किया गया। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो विचार था सबसे पहले स्वराज पार्टी 1924 ये किया था, स्वराज पार्टी 1924, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1924। नेक्स्ट, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो हस्ताक्षर किए थे ये 284 का सिग्नेचर था सदस्य का, संविधान सभा जब बना था उसमें हस्ताक्षर किए थे 284 सदस्य, इसको आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद।